हाय गाइस, कैसे हो आप सब? इन चैनल मातेला मैं हूँ प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल मिस ड्यूटी क्लब। गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज कहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं आज जाने वाली हूँ धर्मस्थला टेंपल में। तो अभी मैं फ़िलहाल आ रही हूँ मेरे एक फ्रेंड के घर पे, ताकि मैं रेडी हो सकूँ। फिर यहाँ से अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आउटफिट तो एक बार देख लो। मेरा साड़ी पहना है क्योंकि आज हम लोग टेम्पल जा रहे हैं ना, इसलिए। सो हियर इट इज। Nice. तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लिप में मैंने आपको बताया गाइस कि मैं रेडी होने के लिए अपने दोस्त के घर पे आई थी। तो हम मंदिर में अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो कुल 5 लोग हम जा रहे हैं। काफी मजा आने वाला है। तो यस गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे अपने रास्ते की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अगर जाते टाइम ऑन द वे में हमें अगर भूख लगे, तो हम वेफर, चटपटा, ये सब कुछ खा सके, तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऑन द वे में हमें एक छोटा सा होटल दिखा ब्रेकफास्ट वाला, तो हम वही यहाँ पे ब्रेकफास्ट टी वगैरह करके यहाँ से निकल रहे हैं अभी। गाइस, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये पीछे जो है ये नेत्रावती रिवर है। तो धर्मस्थला टेम्पल जाने से पहले मतलब कई लोग जो है यहाँ पे स्नान करके जाते हैं, मतलब नहा कर जाते हैं। एंड यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी दिया हुआ है लेडीज के लिए, ताकि वो अपने जो ड्रेस है वो चेंज कर सके। तो मैं आपको चेंजिंग रूम्स भी दिखाती हूँ। छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। So yes guys, we have already reached our destination. So yes, here we are. गाइस, मैंगलोर से धर्मस्थला के बीच जो डिस्टेंस है वो 74 किलोमीटर्स है। एंड यहाँ तक आने में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगा। हम करीब सुबह के 8-8:30 बजे घर से निकल गए थे टेंपल के लिए। एंड यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 यहाँ बज चुका है। ये बहुत ज़्यादा फेमस टेंपल है गाइस, एंड इस टेंपल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धर्मस्थला मंदिर भगवान शिव जी के अवतार श्री मंजुनाथेश्वर अन्नप्पा स्वामी को समर्पित है। ये तो नहीं है।
हाय गाइस, तो ये पे वाला लाइन है, तो हम लोग ने 200 रुपीज़ पे करके अभी हम लोग ये लाइन से जा रहे हैं। जो फ्री वाला लाइन है ना, वो वहाँ वो साइड है। अगर मैं वो साइड जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये पे वाला लाइन है। ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈನಲ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। हाय गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे हैं। एक्चुअली हम जब अंदर गए थे ना तो कुछ 11:30 बज गए, तो अभी दर्शन होते होते 1.5 घंटा हो गया। अभी जस्ट हम लोग दर्शन करके बाहर आए। क्योंकि वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए हम वीकडे में गए थे। वीकडे होने के बावजूद भी उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा रश था। मंदिर के अंदर जाने के लिए फ्री वाला लाइन भी है, लेकिन वो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए हम 200 रुपीज़ पे करके हम पे वाले लाइन में चले गए, ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े एंड ज़्यादा लाइन में भी ना रुकना पड़े। इस मंदिर में अंदर प्रवेश करते टाइम जेंट्स लोगों को अपना शर्ट उतारकर एंट्री करना रहता है। एंगल तो जा तो गाइस, जैसे कि आपने देखा धर्मशाला टेम्पल के बाजू में एक छोटा सा पार्क है। पार्क के अंदर एक छोटा सा एक्वेरियम, मतलब एक छोटा सा एक्वेरियम टाइप का बना हुआ है, मतलब बहुत सारे फिशेस है, बहुत छोटे 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 एक्वेरियम है। तो आपको दिखा दूँ, आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही क्यूट है। ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿ
तीन बार पढ़ना है। गाइस तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑटोमोबाइल म्यूजियम है, लेकिन यहाँ के अंदर जो है वो फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर तो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे कैसा है ना गाइस, अंदर जो है ना ओल्ड मॉडल की कार्स, फिर क्रेन, उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। मतलब कई सारे एक्टर्स है पुराने एक्टर्स जिसने अपने लाइक गाड़ी को यहाँ पे दे दिया है म्यूजियम। काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स के कार्स हैं, तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो आप एक बार यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे जो एंट्री चार्जेस है ना 10 रुपीज़ है पर पर्सन। जैसे कि आप जो पीछे देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर है। तो मैंने आपको बताया ना वहाँ पे कार म्यूजियम था, तो नीचे है ना वो भी लिखा भी है कि ये कौन से कंट्री का है, USA का है, फ्रांस का है नीचे, एंड ईयर भी लिखा हुआ है कौन से साल का ये मॉडल है। गुम्बदेश्वरा है, तो अभी हम लोग वही देखने के लिए आ रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये गुम्बदेश्वरा है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो चलिए अभी साथ साथ चलते हैं। इसके बाद हम एक दो मंदिर और जाने वाले हैं। कौन से मंदिर जाएंगे एंड कैसे जाएंगे वो सब आपको वीडियो पार्ट 2 में पता चलेगा, जो इसके बाद मेरे चैनल पर आने वाला है। पार्ट 2 के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।